आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि हाई स्कूल का बोर्ड समाप्त होने वाला है। मैंने ये देखा है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 10वीं बोर्ड ख़त्म, एम फिल भी होगा बंद। तो आज हम एम फिल पर बात नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक है 10वीं बोर्ड को लेकर। तो आज हम इसको देखते हैं, पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे, विद प्रूफ देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नई एजुकेशन पॉलिसी पर जो 2020 की आई है, उसके लिए हमें गूगल पर जाना होगा। गूगल पर जाने के बाद हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डाउनलोड करना होगा, तब हम देखेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाई स्कूल के बोर्ड का क्या होगा। तो यहाँ हम गूगल पे आ चुके हैं, गूगल पे हम सर्च कर रहे हैं इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ हम सर्च करेंगे तो ये खुल गया है हमारे पास, ये इस तरह का इंटरफेस आ गया है जो आपके सामने है। अब यहाँ देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब मेरे पास चूँकि ये डाउनलोड है इसलिए हम इसको डाउनलोड में से देखेंगे। मैंने ये डाउनलोड कर रखी है और इसके हम जाएंगे, ये वैसे तो 108 पेज की है, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं जिस पे के हम आज वीडियो बना रहे हैं कि 10वीं बोर्ड को लेकर। तो ये आया है हमारा जो इसका हेडिंग है 4.37, जो पॉइंट है इसको क्लियरली डिफाइन करता है कि हाई स्कूल बोर्ड का क्या किया जाएगा। जैसे व्हाइल द बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड्स 10th एंड 12th विल बी कंटिन्यूड, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं 10th और 12th विल बी कंटिन्यूड, जारी रहेंगे। द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी रिफॉर्म्ड, जो वर्तमान का जो बोर्ड का एंट्रेंस एग्जाम का तरीका है उसको सुधारा जाएगा। बोर्ड एग्जाम का एंट्रेंस का तरीके को सुधारा जाएगा। टू एलिमिनेट द नीड ऑफ फॉर अंडरटेकिंग कोचिंग, कि जो कोचिंग लेने की जो प्रक्रिया सी बन गई, रिवाज सी बन गई स्टूडेंट्स की, तो उस कुरीति को दूर करने के लिए इसको सुधारा जाएगा। एंकरेज होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तो यहाँ हमारा यहाँ क्लियर हो रहा है कि जो हमारे हाई स्कूल के और 12th के एग्जाम्स जैसे कि तैसे होते रहेंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। इसलिए अपने मन से इस दुविधा को निकाल दें कि ये जो 10th का बोर्ड समाप्त होने वाला है। इसके लिए हम आज के ही न्यूज़पेपर की का प्रूफ और देखते हैं, जो कि आज डेट 7 अप्रैल का है, 7 अप्रैल 2023 का है। उस पर हम जाते हैं और उसमें आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हो गया होता तो आज की न्यूज़ में हाई स्कूल बोर्ड के बारे में कोई सूचना नहीं आती। तो आइए हम गैलरी में चलते हैं, गैलरी से उसको देखेंगे। मेरी गैलरी में पड़ा हुआ है वो फोटो आज का, ये आज की डेट के न्यूज़पेपर की खबर है जो आज के न्यूज़पेपर में आई है। अब 10वीं 12वीं में पूछे जाएंगे अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, CBSE ने अपनी मूल्यांकन योजना को दिया नया रूप। ये अमर उजाला न्यूज़पेपर से है, 2023 और 24 सत्र को लेकर है। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2023-24 सत्र में होने वाली परीक्षा में होगी लागू ये व्यवस्था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं व 12वीं की परीक्षा में अब अधिक बहुविकल्पीय MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि लघु व दीर्घ प्रश्नों की वेटेज कम होगी, यानी जो रिटेन थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं उनकी वेटेज कम कर दी गई है और MCQs बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा शैक्षणिक सत्र 2023-24, यह नई व्यवस्था अगले साल होने वाली 9वीं 10वीं व 11वीं 12वीं की परीक्षाओं पर लागू होगी। 10वीं में योग्यता आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की वेटेज 50% रखी गई है और 10वीं में बहुविकल्पीय प्रश्नों का वेटेज 50% है और 12वीं में 40% कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी में चुनौतियों का सक्रिय रूप से
सामना करने के लिए छात्रों की रचनात्मक और क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नीति, रटने वाली नीति को ख़त्म करने जा रही है, जो नहीं देती। ऐसे में बोर्ड शिक्षा नीति की सिफारिशों के आधार पर बदलाव किए गए हैं। CBSE के अकादमिक निदेशक जोसेफ इमैनुएल की ओर से ये सूचना विद्यालयों को भेज दी गई है। CBSE के अनुसार अब आगामी सत्र से योग्यता आधारित प्रश्न ज़्यादा संख्या में वास्तविक जीवन की अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न पत्र का हिस्सा होगा। 10वीं कक्षा में 50% योग्यता आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें MCQs, केस आधारित प्रश्न एवं एकीकृत प्रश्न या किसी अन्य प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। और जो पिछले साल में ये 40% था, जिसको इस बार 50% कर दिया गया है। तो ये हमारा है प्रूफ, जिससे स्पष्ट होता है कि 10वीं का बोर्ड समाप्त नहीं होगा, 10वीं और 12वीं के बोर्ड होते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपका भ्रम दूर हो गया होगा और आगे भी आप इस भ्रम को किसी और तक नहीं पहुँचाएंगे। अपने आपके दिमाग में अगर क्लियर हो गया है तो दूसरे को भी ये स्पष्ट बताएंगे कि बोर्ड का एग्ज़ाम 10th का ख़त्म नहीं हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको जानकारी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।